तो भाई ये देख लो, गर्मा गर्म समोसे घर के हिसाब से पूरा सीखेंगे, कम क्वांटिटी में सीखेंगे ताकि आप घर पे इजीली बना सको। गर्मा गर्म निकले भैया, आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देख लो पूरा जबरदस्त, और किस तरीके से बनता है स्टेप बाय स्टेप सारा सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो भैया चलिए बनाना सीखे। बिल्कुल ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे बनने जा रहे हैं समोसे, और घर के हिसाब से सीख रहे हैं। 1 किलो मैदे के सीख रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको आधा भी कर सकते हो, आधा किलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो बट अंकल 1 किलो का बना रहे हैं। 2 चम्मच नमक। 2 चम्मच नमक जाएगा घर वाला 2 चम्मच आपका इसमें नमक जाएगा मैदा में। डाल दिया? हाँ मतलब डाल दिया। ये जा रहा आपका 2 ही चम्मच आपका अजवाइन। अजवाइन बहुत जरूरी डालना, ठीक है। अजवाइन तो समोसे में डालना ही डालना, अजवाइन और नमक। अब जा रहा है इसमें घी। कितना जाएगा अंकल जी? 200 ग्राम। 200 ग्राम घी, तो 1 किलो में 200 ग्राम, आधा किलो में 100 ग्राम। अब पानी, पानी कितना जाएगा अंकल जी? 300 ग्राम पानी। अच्छा अंकल पानी आपने गर्म लिया ना? हाँ जी, हाँ जी। और घी? घी भी गर्म लिया। घी भी गर्म, ठीक है। सर्दियों में मैं आपको बता दूं आपको गर्म ही लेना होता है, और अंकल गर्मियों में? गर्मियों में ठंडा ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि जो डो होता है ना वो जल्दी टाइट हो जाता है, इस चक्कर में गर्म लेना पड़ता है ताकि थोड़ा सा मुलायम रहे। अदरवाइज इसको छोड़ देंगे ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, बनने लायक नहीं होगा। आपने कभी घर पे बनाया होगा तो देखा होगा पापड़ी पापड़ी सी रह जाती है बेलने पे, उसका कारण ही यही है। तो आपको घी और पानी गर्म ही लेना है, और अच्छे से मिला के इतना मोटा होना, इतना टाइट, इतना टाइट होना, एक सेकंड, इतना टाइट होना चाहिए, जो हाथ उठ जाए आराम से गल जाए। अभी अभी अकड़ेगा मैदा ये, ठीक है, अभी अकड़ेगा, ठीक है। तो अंकल छोड़ देंगे अब इसको पन्नी के अंदर? मेरा हाथ साफ है भाई, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे आपका ये डो लग के रेडी हो चुका, फिर मैं आपको एक बार दोबारा पास से दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, इतना आपने रखना है, इतना टाइट, पर अभी थोड़ा और टाइट होगा। कितनी देर के लिए छोड़ना अंकल जी? अभी जब बनाएंगे तब निकालेंगे, ठीक है। वैसे किसी को अभी बनाना हो तुरंत तुरंत बनाओ, हाथ यार पन्नी में रखना पड़ेगा, पेट दूर के, ठीक है, पन्नी में बंद करके आपको रखना पड़ेगा ताकि इसमें हवा ना लगे। हाँ नहीं टाइट हो जाएगा मैदा, बेल नहीं पाओगे, ठीक है, इसलिए आप पन्नी में रखा करो ताकि आप अच्छे से बाद में बेल सको। तो भाई यहाँ पे आलू को भुना जा रहा है, जो स्टफिंग में जाएगा सबसे पहले आपका 100 ग्राम तेल, 100 ग्राम तेल है ये, ठीक है। जाएगा धनिया, जाएगा साबुत धनिया, जाएगा 3 चम्मच छोटा वाला घर वाला, ठीक है, 3 चम्मच आपका धनिया साबुत, और 2 किलो आलू के हिसाब से बन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि समोसे और ब्रेड पकौड़ी की जो स्टफिंग होती है सेम होती है, तो ये दोनों के लिए बन रहा है। 1.5 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच जीरा, तो बार बार अलग से भुनेंगे नहीं, तो एक बारी में ही दोनों को भून के बता रहे हैं। और अंकल कई लोग बोलते हैं कि आलू और ब्रेड पकौड़े का आपने एक ही रख दिया, तो एक ही होता है ना हर जगह? एक ही होता, एक ही होता। लोग ऐसे बना लेते हैं, हाथ में मार के मसल के बना देते हैं, अच्छा, हल्दी लगा के, हम हल्दी वाले लगाते हैं ऐसे, ठीक है, पर लेकिन रहता सेम ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम मिर्ची, 100 ग्राम अदरक। हाँ जी, अभी बता दें, ठीक है, ठीक है। अंकल इसमें मसाले बना रहे हैं पर अलग अलग रख रहे हैं, टेंशन मत लो, हल्दी है, लाल मिर्च है, कुछ नहीं छुपाएंगे, खुल के बताएंगे, सब बता देंगे। थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं, ये आपका गरम मसाला, और ब्रांड भी आपको दिखा दूँ, ईगल है, ठीक है, हम सब बता देंगे ना। अब बिल्कुल ही घर के मसालों के हिसाब से बता रहे हैं ताकि आप इजीली इसको बना सको, घर पे अवेलेबल हो ये सारे मसाले। धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च। अब क्वांटिटी आपको भी थोड़ी देर में बताएंगे कितनी कितनी। गैस अंकल ने यहाँ पे कम कर दिया बहुत, ठीक है, ताकि जले ना। 1.5 चम्मच मिर्ची लाल, 1.5 चम्मच मिर्ची घर के साथ, गरम मसाला 1.5 चम्मच है, गरम मसाला 1.5 चम्मच, 2 चम्मच धनिया है, 2 चम्मच धनिया, एक हल्दी है, 1 चम्मच हल्दी है, ठीक है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अभी गरम मसाला डालेंगे। अच्छा अब यहाँ पे अंकल जी अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं, ये अपने 1 चम्मच, 1 चम्मच अपने हाथ का बना चम्मच है ये घर वाला। अच्छा अंकल जी जैसे घर पे तो लोगों को पता नहीं कैसे बनाया आपने, बट लेकिन घर पे फिर अगर घर वाला जो ये आपने डाला है वो एक और चम्मच बढ़ा दे, अपना जैसे खाना हो ये अपने हिसाब से कर सकते हैं।
नहीं जैसे आपने एक चम्मच एक्स्ट्रा और डाल देना गरम मसाला, तो अगर ये हमारे पास नहीं है तो जो हम डाला है अभी पैकेट वाला डाल दो, एक और चम्मच एक्स्ट्रा डाल दे। चलिए ठीक है, जितना भी आपने डाला होगा उसमें एक चम्मच एक्स्ट्रा कर देना। डालेंगे 200 ग्राम मटर, 200 ग्राम जाएगा आपका मटर। इस गरम मसाले की भी रेसिपी लाएंगे जल्दी, आपको बताएंगे इसमें क्या क्या डाला है। कमेंट करो अंकल से कि ये गरम मसाले की रेसिपी चाहिए। चलो भाई डल के सारे मसाले, तो हम एक गांव में जैसे बनाते हैं घर में देसी मसाला उसी रात बना रहे हैं। ठीक है, रहता तो अंकल से वही है ना, वही सारे खड़े मसालों को पीस के। हाँ जी, बस क्वांटिटी देखनी है कितनी है, वो अभी किसी दिन हम बनाएंगे उसकी वीडियो भी गरम मसाला। आप बस कमेंट करो एक कि रेसिपी चाहिए आपको गरम मसाले की, तो हम लाते हैं। फिर नमक, नमक एक घर वाला 3 चम्मच, 3 चम्मच आपका नमक 2 किलो आलू के हिसाब से, ठीक है याद रखिएगा। घर वाला चम्मच घर वाला डाल दो आप, ठीक है। जाओ फिर, हाँ कहीं नमक ज़्यादा हो जाए। बस थोड़ा सा भुनने के बाद आपने इसमें आलू डाल देना, ये आपके 2 किलो आलू उबले हुए आलू है। बस अंकल अच्छे से मिला देना। हाँ जी हाँ, किसे पकाना भी अभी नहीं, नहीं और गर्म हो जाएगा ना तो आलू मुलायम को टूट जाता है। ठीक है, बस मिलाना आपको अच्छे से, 1-2 मिनट अच्छे से मिला के ऐसे मार के आपका ये हो जाएगा। तो ये देख लो भाई अंकल ने अच्छे से इसको मिला दिया, अंकल ने गैस कर दिया अंकल ने बंद, इसमें डलेगी थोड़ी सी धनिया की पत्ती और ये आपका बन के रेडी है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, अंदर जाके उसका जो शेप होता है वो सीखते हैं। तो भाई देख लो, उसके बाद अंकल ने ऐसे ऐसे लंबे लंबे ये करना है आपको, ठीक है, निकाल के फिर उसके ऐसे पेड़े बनाने हैं छोटे छोटे। ये समोसे के पेड़े हैं, ठीक है। मैदा मैंने आपको दिखा दिया था, उसके बाद आपने बस ऐसे करना है निकालना लंबे और ऐसे अपने से पेड़े बनाने। तो भाई यहाँ देख लो, आपको इस तरीके से जो समोसा है उसको बेलना है, ना ज़्यादा पतला बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा मोटा, है ना अंकल जी? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे अंकल बना के रखते जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी पेड़ी होनी चाहिए, जो इतनी मोटी होनी चाहिए, कह रहे हैं ये समोसा, ये दुकान वाला है, ठीक है। अगर घर में आप बनाना चाहते हो तो छोटी पेड़ी कर लो, ठीक है। तो दुकान में तो थोड़ा बड़ा रहता है ना, क्योंकि प्राइस के हिसाब से तो थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, घर पे आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। हमने ऐसे काट के रख दिया, ठीक है, हम भर के दिखाएंगे आपको अभी, ठीक है। अब अंकल इसको भर के आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसको भरना है, इसका शेप कैसे देना है। ये देख लो, ये एंड में हमने इसमें ऊपर धनिया डाल दिया था, ठीक है। और ये तो हल्का हल्का है पानी, ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। ये बंद कर दिया हमने, इसको मसाला डाल दिया, ये डाल दिया मसाला, यहाँ से हमने बंद करेंगे ऐसे, ठीक है। अगर समझ नहीं आओ मेरे दोबारा फोन करके हमसे बात करके पूछो। हाँ अंकल जी का नंबर दे रखा है नीचे, मतलब दुकान का नंबर है, आप आराम से कर सकते हो। पानी लगाया, ऐसे करा दो साइड और ये फिलिंग भरी, बस आपने इस तरीके से इसका बंद कर देना, बस आपको बंद करना है, ठीक है। कई लोग वो बीच वाला इस तरीके से करते बंद, कोई डायरेक्ट अंकल बंद कर देता है। हाँ। एक बार अंकल वाला करके दिखा दो, डायरेक्ट वाला बिना ऐसे बीच वाला। पानी डाला, ये दो साइड लेना आपने, ठीक है, गोले वाले के इधर दो। हाँ बस ऐसे कर दिया, बंद कर दिया, और अंकल बीच में मत दबाना, सीधा ऐसे दबा के दिखा दो बंद। ये हो गया, बस ये हो गया, बस हो गया, ये भी सिंपल है, ये सिंपल है, ठीक है। अंकल को इसकी आदत है इतने सालों से, ऐसी है। एक और है आगरा में बनते हैं, अच्छा वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे आगरा में बनता है, टोपी में बनता है, ठीक है। ये करिए, ये यूँ समोसा बना दिया, ये समोसा आगरा, अच्छा ये आगरा वाला, आगरा यूपी का, ये आगरा यूपी का, ये सिंपल जो आप घर पे बनाओगे वो, ये दिल्ली का, ये दिल्ली का अंकल का स्टाइल वाला। तो चलिए ये हो गया, अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ और इसको देखते हैं कितने टेम्परेचर में इसको तलना है। तो भाई समोसे के लिए यहाँ पे भैया है, मोटा भैया, ये बताएंगे समोसे कितने आपने मतलब टेम्परेचर पर इसको पकाना। भैया अभी तेल कैसा गर्म रखना है? एक पहचान होती है समोसा डालने के बाद, ठीक है, जैसे डालना है ये, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर सही है इसका, ठीक है, ऐसे तेल में डालना है इतने गर्म में। और गलत टेम्परेचर हुआ तो इसमें क्या होगा, ऐसा क्या हमें पता चला? ये जो वल्ला है ऐसा नहीं उगलेगा, अच्छा बुलबुले नहीं आएंगे, नीचे चले जाएगा ठंडा मतलब, और ज्यादा तेज गर्म भी नहीं। हाँ जी, ज्यादा गर्म में छाले पड़ जाएंगे और कच्चा रह जाएगा, ठीक है। छाले आपने देखे होंगे समोसे बनाते हो, पपड़ी पपड़ी सी छाले छाले से नहीं बन जाते पूरे गोल गोल से, वो तो आपको मीडियम गर्म रखना है, बिल्कुल मीडियम मीडियम।
और मीडियम गर्म में आपने इसको डाल देना है और मेक श्योर नीचे कड़ची, भैया घर पे बना रहे घर का बताओ, घर पे ऐसे देखो, ये देखो, ये ऐसे लगा देना ताकि नीचे पकड़ेगा नहीं, बस घर की कड़ची होती है ना वो लगा देना, हल्का सा गैस हल्का रखना है, अभी समोसे डाल दिए मैंने, और हल्का ही तेज रखना है, ज्यादा तेज नहीं करना, ठीक है, मीडियम तेज रखना है, धीरे धीरे पकने देना है, ठीक है, मीडियम आंच पे पकेगा ये, जब कम ज्यादा करेंगे तेल को तब हम तब देखेंगे, फिलहाल के लिए अभी आपने इसको मीडियम आंच पे पकाना है, तो कितनी देर अभी इस आंच पे पकेगा और ऐसे पकेगा? कम से कम 8-10 मिनट, 8-10 मिनट अभी ये ऐसे पकेगा, ठीक है, तो 8-10 मिनट लेगा पकने में, जब भैया कुछ और करेंगे हम आगे देखेंगे। इसको बीच बीच में ऐसे हिलाना है ताकि एक बराबर पके, ठीक है, बराबर पके, हाँ जी, और हिलाने से यही होता है कि हर साइड मतलब इक्वल पके सारा समोसा, ऐसा ना कोई पहला पक जाए कोई ज्यादा, एक जैसा रहेगा सारा, बीच बीच में चलाते भी रहना, ठीक है, हर एक मिनट में आपने कड़ची ऐसे चलाती रहनी है, ब्राउन हो गए और ये देख लो भाई 7-8 मिनट हो गए, अभी ब्राउन हो चुका, बट लेकिन भैया कह रहे हैं अभी और पकेंगे थोड़े से, और भी एंड में आप कुछ बताते हो कि गैस बंद कर दिया करो जब एंड आने वाला होता है, बिल्कुल कम कर देनी है, बिल्कुल ही लो, हाँ जी, थोड़े बहुत कच्चे होंगे वो अपना पक जाएंगे, तेल इतना गर्म रहता है, ठीक है, एंड जब आ रहा होता है ना तो आप बिल्कुल ही आप गैस बिल्कुल स्लो कर देना, उसके बाद ये धीरे धीरे पक जाएगा, कितने मिनट और लगेगा भैया? बस हो गया रेडी, यही बस दिखाना आपको, बस हो गया, चलिए ये आपके बन के हिला के नहीं बराबर जैसे एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है, तो सारा ये बन के रेडी है, अब इसको निकालेंगे भैया, हाँ जी, ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, घर के साथ हम समोसे सीख रहे हैं किस तरीके से बनते हैं, तो आप भी बनाओ, नहीं बनते तो विक्रम स्वीट्स में कॉल करो, आपको घर पे डिलीवर होगा, ये देख लो भाई बन के रेडी है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।